मेरे वीडियो का पेपर रद्द हो गया। मैं वीडियो का पेपर रद्द कर दिया सरकार ने। एक बात बोल लेती हमारी बहुत मुश्किल से 75 नंबर लाए थे भाई। मैं बहुत दुख हो रहा है। रात के 2 बज रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही भाई। बहुत उम्मीद थी यार हो जाएगा, सरकार ने रद्द कर दिया पेपर। एक बार तो सोच लेती हमारे बारे में भाई। घर में मम्मी मम्मी अकेली है, बहुत उम्मीद थी यार मम्मी को। पापा जी है नहीं मेरे यार भाई। एक बार जांच पूरी होने देते एक बार, उसके बाद कर लेते दो डिसीजन। UK SSS में घोटाले के बाद लगातार गिरफ्तारी का दौर जारी है और अब तक 23 गिरफ्तारी STF की टीम कर चुकी है। जब से आयोग बना है तब से न जाने कितने भर्ती घोटाले अब तक उत्तराखंड में हो चुके हैं। वहीं UK SSS घोटाले के बाद जो एक सवाल सबके मन में चल रहा था वो ये था कि जिन भर्तियों में घोटाले सामने आए हैं क्या उनको रद्द कर दिया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब भी अब सामने आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कहते नजर आए हैं कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जो परीक्षाएं साफ सुथरे ढंग से गतिमान हैं उन्हें सुचारू रूप से समय पर संपन्न कराया जाएगा। वह CM धामी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा द सोनी ने अपने ट्विटर पर यह वीडियो पोस्ट की है जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई। साथ ही उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी कृपया संज्ञान लें। अब इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या जिन बच्चों ने पूरी मेहनत और लगन से पेपर पास किया है अब क्या उनको भी दोबारा पेपर देने होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उन गरीब परिवार के बच्चों का क्या होगा जिनके माँ बाप ने पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों को सालों तक एग्जाम की तैयारी कराई और उन बच्चों ने दिन रात एक कर इस पेपर को पास किया। वहीं CM धामी ने अगले ट्वीट में लिखा है कि इसके अलावा जिन परीक्षाओं के माध्यम से दागी व्यक्तियों को नियुक्ति है उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत जरूरी है कि जो इस प्रकार के अपराध में शामिल हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने किया है, हमारी बेटियों के साथ बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अपूर्व धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन कठोर से कठोर धाराएं हो सकती हैं। CM धामी के बयान के बाद ये तो साफ हो गया है कि जिन भी दागी व्यक्तियों को नियुक्ति मिली है उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी, लेकिन जो अभ्यर्थी पूरी लगन से पास हुए हैं उन्हें इस घोटाले के बाद जो तकलीफें हो रही हैं और जो अभ्यर्थी परेशान और हताश हो रहे हैं उन अभ्यर्थियों के आंसुओं का जवाब आखिर कौन देगा। वीडियो का पेपर रद्द हो गया। मैं वीडियो का पेपर रद्द कर दिया सरकार ने। एक बात बोल लेती हमारी बहुत मुश्किल से 75 नंबर लाए थे भाई। भाई बहुत दुख हो रहा है। रात के 2 बज रहे हैं, नींद भी नहीं आ रही भाई। बहुत उम्मीद थी यार हो जाएगा, सरकार ने रद्द कर दिया पेपर। एक बार तो सोच लेती हमारे बारे में भाई। घर में मम्मी मम्मी अकेली है, बहुत उम्मीद थी यार मम्मी को। पापा जी है नहीं मेरे यार भाई। एक बार जांच पूरी होने देते एक बार, उसके बाद कर लेते 2 डिसीजन।